तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में ट्रेवर और फ्रैंकलिन ने अपने मास्टरमाइंड प्लान के साथ फ्रैंकलिन और ट्रेवर भैया लोग जेल में थे, लेकिन लेस्टर की हेल्प लेकर ये तीनों भैया वहां से एस्केप कर गए थे एक सीक्रेट टनल के थ्रू। हम लोगों ने लॉस सैंटोस के बैंक में एक बहुत तगड़ी बढ़िया से प्लान करके हाइस्ट करी थी, जिस हाइस्ट में हमें ढेर सारा गोल्ड कैश डायमंड्स और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। हम लोग बिल्कुल शहर से बाहर वापस आ चुके हैं। था यार, मुझे ना अभी तक ये बात नहीं समझ आ रही है कि पुलिस को आखिरकार प्लान के बारे में मालूम कैसे पड़ा। सिर्फ और सिर्फ हम चार लोग जानते थे, तो हो सकता है हम चारों में से किसी एक ने ये बात लीक करी हो, बट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मुझे अपनी गाड़ी को बस इधर से लेफ्ट मोड़ना है और सामने की तरफ में काफी ज्यादा बढ़िया शॉप है, यहाँ से मैं एक अपने लिए कोट पैंट खरीद लेता हूँ। अभी जल्दी से अपनी गाड़ी को यहीं पर खड़ा करते हैं। और अभी फिलहाल पुलिस वालों की जो सिक्योरिटी है ना, वो भी काफी कम हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि वही से व्हाइट वाला कोट पैंट पहन लूँ, वो अपने लिए काफी ज्यादा लकी है। जब से तगड़े तगड़े कपड़े पहनना शुरू कर रहे हैं तब से और ज्यादा दिक्कत आ गई है। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने व्हाइट सूट एंड व्हाइट शूज भी बाय कर लिए हैं, तो अभी जल्दी से मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। और अभी मैं निकल लेता हूँ सीधा लिबर्टी सिटी में। गाइस, सबसे पहले मेरे को जाना है एयरपोर्ट पर, क्योंकि यार लिबर्टी सिटी जाने के लिए कोई रोड वगैरह नहीं है। या तो हम बाय मतलब कि वाटर से जा सकते हैं, मतलब शिप वगैरह से, या फिर कोई बोट वगैरह से जा सकते हैं, या फिर हमें प्लेन पकड़ना पड़ेगा। तो बोट से तो कोई जाता नहीं है ना घूमने के लिए, हम लोग जाएंगे प्लेन से। अब यहाँ पर हम नॉर्मल फ्लाइट भी पकड़ सकते थे, लेकिन मैं प्राइवेट जेट लेने वाला हूँ। प्राइवेट जेट हमें रेंट पर शायद से मिल जाएगा, बात करनी पड़ेगी, वरना हेलीकॉप्टर तो तुरंत ही मिल जाएगा, लेकिन मैं प्राइवेट जेट से जाना चाह रहा हूँ। तो अभी फटाफट से चलते हैं एयरपोर्ट पर। और गाइस सच्ची में देखो भाई, जो ये वाला मौसम हो रखा ना यार, बहुत ज्यादा बढ़िया हो रखा है। तो गाइस, अगर आपको ये वाला वेदर अच्छा लगता हो ना रियल लाइफ में, तो मेरे को तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जो बारिश के बाद एकदम पूरा पूरा एयर पोल्यूशन खत्म हो जाता है, पूरी एकदम एयर क्लीन हो जाती है और कुछ इस टाइप से रहता है, बिल्कुल धूप भी नहीं रहती, इस टाइप का वेदर मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। तो गाइस, अगर आपको भी लगता हो तो फटाफट इस वीडियो को जाकर लाइक करना और कमेंट में मुझे बताना कैसा लगता है आपको। भी गाइस, सबसे पहले मेरे को जाना है एयरपोर्ट पर, क्योंकि यार लिबर्टी सिटी जाने के लिए कोई रोड वगैरह नहीं है। या तो हम बाय मतलब कि वाटर से जा सकते हैं, मतलब शिप वगैरह से, या फिर कोई बोट वगैरह से जा सकते हैं, या फिर हमें प्लेन पकड़ना पड़ेगा। तो बोट से तो कोई जाता नहीं है ना घूमने के लिए, हम लोग जाएंगे प्लेन से। अब यहाँ पर हम नॉर्मल फ्लाइट भी पकड़ सकते थे, लेकिन मैं प्राइवेट जेट लेने वाला हूँ। प्राइवेट जेट हमें रेंट पर शायद से मिल जाएगा, बात करनी पड़ेगी, वरना हेलीकॉप्टर तो तुरंत ही मिल जाएगा, लेकिन मैं प्राइवेट जेट से जाना चाह रहा हूँ। तो अभी फटाफट से चलते हैं एयरपोर्ट पर। और गाइस सच्ची में देखो भाई, जो ये वाला मौसम हो रखा ना यार, बहुत ज्यादा बढ़िया हो रखा है। तो गाइस, अगर आपको ये वाला वेदर अच्छा लगता हो ना रियल लाइफ में, तो मेरे को तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जो बारिश के बाद एकदम पूरा पूरा एयर पोल्यूशन खत्म हो जाता है पूरी। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल मैं एयरपोर्ट पर पहुंचने वाला हूँ। और गाइस, मैं सोच रहा हूँ ना कि हम लोग दूसरे रास्ते से अंदर एंट्री लेते हैं, मतलब कि जो सीधा रनवे की तरफ में जाता है। और कोई भी अगर वहाँ पर प्राइवेट जेट दिखेगा तो मैं वहाँ से चुरा के भाग जाऊँगा, लेकिन अगर प्राइवेट जेट वगैरह नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ से रेंट पर लेकर जाएंगे। बाकी एक बार चल कर देखते हैं। अभी जल्दी से हम लोग अंदर की तरफ में चलते हैं। अगर काश यार प्राइवेट जेट ना वहाँ पर कोई ना कोई खड़ा हो, क्योंकि अगर हमें प्राइवेट जेट वहाँ से मिल गया तो अपने को बहुत ज़्यादा फायदा है, मतलब कि हम प्राइवेट जेट वहाँ से चुरा के भाग जाएंगे, वरना रेंट पर लेने में ना थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन अभी $4 million पड़े हैं, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अभी यहाँ पर एक प्राइवेट जेट तो खड़ा हुआ है, लकी मैं प्लेन लाइन पे चला रहा हूँ, मतलब कि पूरे पूरे रनवे पे अपनी गाड़ी भगा रहा हूँ भाई फुल स्पीड में। आगे की तरफ में चलते हैं। यहाँ पर ना एक बड़ा वाला प्लेन तो खड़ा हुआ है, लेकिन राइट में हमेशा एक प्राइवेट जेट खड़े रहता था, जो कि यार आज नहीं खड़ा, अपनी किस्मत काफ़ी ज़्यादा खराब है। नहीं खड़ा है, वहाँ से ढंग से व्यू नहीं आ रहा था। चलो गाइस, यहाँ पर अभी हमें एक प्राइवेट जेट तो मिल चुका है। और एक काम करते हैं, अपनी गाड़ी को मैं कहाँ पर पार्क करूँ? अगर मैं अपनी कार को यहाँ पर पार्क कर दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब कोई ना कोई देख लेगा। तो गाइस, अभी कोई जगह मेरे को ढंग की मिल नहीं रही है, तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ अपनी कार को ना यहीं पर पार्क कर देता। थोड़ी देर की बात है, एक ही दिन की बात है, हम लोग एक दिन बाद आ ही जाएंगे। बाकी अगर किसी सिक्योरिटी गार्ड ने देख लिया ना, तो वैसे क्या ही कर लेगा, उसको लगे किसी यहाँ के बंदे की गाड़ी होगी। फटाफट ये जिसका भी प्राइवेट जेट है मैं लेके निकलने वाला हूँ। और वो जो प्लेन खड़ा था उड़ गया शायद से, चलो कोई नहीं, बढ़िया है ना। एयरपोर्ट से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा कुछ सिग्नल वगैरह का इशू हो जिससे इन्हें पता चल जाता हो कि हाँ भाई कोई बंदा प्लेन चुरा कर भागा है, तो रिस्क हो सकता है। बाकी तो हमने इतनी आराम से प्लेन यहाँ से ले लिया, किसी को पता नहीं चला, बस यहाँ से भी बस उड़ाने की बारी है। चलो गाइस, काफ़ी आराम से। वैसे मेरे को ना अभी मैं प्लेन ज़्यादा उड़ाता नहीं हूँ, तो शायद से मैं एक टाइप से समझ लो घटिया ही पायलट हूँ, मेरे को उड़ाना आता नहीं है। और ये कुछ अजीब सा नहीं चल रहा, देख लो कैसे हिल सा रहा है ये, मेरे को लग रहा है ये अंदर से ना इसका कुछ सिस्टम लॉक है यार, ये देखो सही से चल ही नहीं रहा है। नहीं, तो गाइस जैसे कि आप लोग नीचे की तरफ में देख पा रहे हो, लिबर्टी सिटी जो है ना यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जगह है। यहाँ पर ना इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ना बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि यहाँ पर ट्रेन पूरे की पूरी सिटी में ट्रेन ही ट्रेन चलती है, जैसे लॉस सैंटोस में है। बाकी यार मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है सिटी यहाँ पर, आप राइट में देखो
कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। तो अभी शायद ना मेरे को इसी एरिया में आना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे को इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं है। तो यहाँ पर एक बंदा है, मैं उससे बात करूँगा जो कि अपना दोस्त है, लिबर्टी सिटी में ही रहता है, उससे बात करेंगे, वो हमें पूरा का पूरा बताएगा। चलो गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं लिबर्टी सिटी। और यहाँ पर भाई ये जो प्लेन है ना, मैंने काफ़ी अच्छा लैंड करवाया है। अभी फटाफट ना एयरपोर्ट से जल्दी से बाहर निकलते हैं। और यहाँ का भी एयरपोर्ट जो है कुछ पुराना पुराना सा लग रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट इसकी भी थीम यार वैसी है जैसे अपने लॉस सैंटोस वाले एयरपोर्ट की है। अब यहाँ पर जो वेदर है ना भाई, लॉस सैंटोस से भी ज़्यादा ख़राब है। अब इन दोनों जगहों में ना आपको बस एक ही डिफरेंस देखने को मिलेगा कि जो लॉस सैंटोस है ना वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न सिटी है, लेकिन ये जो सिटी है ना यार कुछ पुरानी पुरानी से आपको लगेगी। तो यहाँ पर एक पता नहीं किसी बंदे की गाड़ी खड़ी, और मैंने अभी अपने फ्रेंड को कॉल भी कर देता हूँ, वो जल्दी से आएगा, मैं लेकर चलेगा और यहाँ पर उसे भी आ जाए। एक बार ही ना मैं यहाँ पर छुप के पता कर लेता हूँ कि आखिरकार पुलिस आ कहाँ से रही है। यहाँ से वेट, पुलिस तो अपनी गाड़ी लेकर इस गली के अंदर ही आ चुकी है भाई। यानी इन्हें अच्छे से मालूम था कि मैं अपनी बाइक लेकर कहाँ पर आया हूँ। वेट यार, ये लोग अब गन्स लेकर इधर उधर ढूंढ रहे हैं शायद से मुझे मारने के लिए, और मेरे पास कोई भी वेपन नहीं है। मैं चाहूँ तो इन दोनों को निपटा दूँ, बट उसके लिए मुझे किसी एक बंदे को मार के उसकी गन छीननी होगी। यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर तो अंदर को चला गया, और दूसरे वाले ने मेरे को लगा उसने मुझे देख लिया है, पर ठीक है शायद से उसने मुझे नहीं देखा है। लेट्स गो, यहाँ पर आकर खड़ा हो गया, और उसने शायद से उन्हें मेरी बाइक मिल गई है, और उन्होंने आगे फ़ोन करके बता दिया है पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को कि मैं यहीं कहीं पर छुपा हूँ। अब सारे आएंगे और मुझे चारों तरफ से घेर लेंगे। बट वेट, अपना बॉडी गार्ड गाड़ी लेकर यहाँ पर आ चुका है, और लेट्स गो, उसने एक पुलिस वाले को निपटा दिया, बट दूसरा वाला अभी भी अंदर है, उसको मारना भी बहुत जरूरी है, उसके पास गन है। भाई उसने इसको डाउन कर दिया, लेकिन मेरे पास ये एक बहुत ज़्यादा तगड़ा मौका है इसको मारने का। अब इसके बहुत तेज में मारने वाला, चल तेरी भैंस की टांग, गन सा लगा इसको, स्टन गन करेगा। ओह वेट, इसने मेरे भी मुक्का मार दिया और भाई स्टन भी कर दिया है। वेट यार, अभी इसको निपटाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन दोनों ही हम इस टाइम पर डाउन हो चुके हैं। वेट, अपना बॉडी गार्ड उठ गया है और उसकी गोलियाँ बजा दी अच्छे से। लेट्स गो, गंदी तरह मारा गया भाई ये, बट अपना स्टन का जो असर है वो थोड़ी देर तक रहेगा, पर कोई नहीं, इससे हमें कोई ज़्यादा मरने वरने नहीं वाले हैं, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। लेट्स गो, आई थिंक अभी हमारा जो असर है वो धीरे धीरे उतर रहा है, और उतर गया है। इसके तुम मारोगे, मैं हैं तुम मारोगे तो